हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तनय श्रीवास्तव। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है क्रिकेट 22। क्रिकेट के बारे में ये यूट्यूब चैनल है। 22 इसलिए के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है ये जब से स्टार्ट हुई 22 यार्ड्स के पिच पे खेली जाती है। सो 22 इज़ क्वाइट रेलिवेंट एंड क्वाइट अप्रोप्रिएट फॉर दिस चैनल, मुझे लगा ये। अपने पहले टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हुए सबसे सही टॉपिक मुझे ये लगा कि आज जैसा कि हम सब जानते हैं 7 जुलाई है, हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। आज वो 39 ईयर्स के हो चुके हैं। उनके बारे में, उनके स्टार्ट के बारे में, उनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था झारखंड में, रांची शहर में हुआ था। तो जैसा कि उनके ऊपर एक मूवी बनी थी तो उसमें ये चीज़ें बताई गई थी। शुरुआत में वो टिकट कलेक्टर के तौर पे उन्होंने काम काम भी किया था। वो उनके स्ट्रगल के दिन थे क्योंकि उनके ही उम्र के मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह सब सबने 2003 वर्ल्ड कप खेला था और उसके पहले चैंपियन ट्रॉफी में भी सबने हिस्सा लिया था। बट इनका थोड़ा डेब्यू उस हिसाब से थोड़ा लेट हुआ था और डेब्यू मैच उन्होंने किया था बांग्लादेश के खिलाफ 2004 में ढाका में, जहाँ पर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से, जिससे कहा जाता है कि सबसे अनफॉर्चुनेट तरीका होता है रन आउट, उस तरीके से ये रन आउट हो गए थे 1 रन से। बहुत ही ख़राब स्टार्ट हुई थी। बट ये फेलियर आगे बहुत बड़े सक्सेस में कन्वर्ट होने वाला था, जिसकी शुरुआत हुई थी 2020 इनॉग्रल वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका में खेला गया था 2007 में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि 2007 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था 50 ओवर का, उसमें इंडिया बहुत बड़े अपसेट के तौर पर निकल गई थी। बांग्लादेश के यहाँ तो हार हुई थी, उसे बिगेस्ट वर्ल्ड कप कहा गया था, बिगेस्ट वर्ल्ड कप का अपसेट कहा गया था कि 2003 की जो फाइनलिस्ट टीम थी सौरव गांगुली कैप्टनसी में, वो इस बार फर्स्ट राउंड भी क्रॉस नहीं कर पाई और बहुत बुरे तरीके से अपसेट होकर बाहर हो गई। 2007 T20 वर्ल्ड कप के लिए सारे सीनियर्स प्लेयर ने अपने आप को स्टेप बैक किया था। जैसे राहुल द्रविड़ कप्तान थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें धोनी को कैप्टनशिप देते हैं। और सारे सीनियर प्लेयर्स में सचिन तेंदुलकर ने, इन्होंने भी अपना नाम पीछे लिया था। और बहुत ही यंग प्लेयर के साथ ये टीम गई थी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। धोनी भी एकदम इनएक्सपीरियंस कैप्टन थे, बहुत ही यंग टीम के साथ गई थी जिसमें शायद सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर युवराज सिंह ही होंगे और महेंद्र सिंह धोनी होंगे, जोगिंदर शर्मा भी थे और रुद्र प्रताप सिंह, इरफान पठान जो कि फाइनल में आप मैच भी थे। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को 5 रन से हराया था, बहुत ही क्लोज मैच था। मिसबाह-उल-हक उस मैच को बहुत ही लास्ट पॉइंट तक ले गए थे। बट धोनी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टफ टाइम्स में भी अपना कूल नहीं खोते हैं और अपने दिमाग से उन्होंने काम लिया और बहुत सही फील्ड सजाई थी जो सुशांत ने उनका जो कैच लिया था। तो उसके बाद T20 क्रिकेट में तो इंडिया ने अपना झंडा लहराया और अगले ही साल IPL भी स्टार्ट हो गया था, जिसमें उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी की थी। और 2010 में और 11 में उन्होंने लगातार 2 साल कप भी जीता था IPL का। टू सबसे बड़ी इनकी सक्सेस आई थी 2011 वर्ल्ड कप में, जिसमें कि इन्होंने बहुत ही परफेक्ट टीम खिलाई थी। सचिन तेंदुलकर का लास्ट वर्ल्ड कप था और बहुत ही सही मैच हुआ था, पाकिस्तान से सेमीफाइनल हुआ था। बहुत हमारा हमें बहुत खुशी हुई थी कि एज ए इंडियन की हमारी टीम जो है पाकिस्तान को हमेशा बीट करती है, तो इस बार भी उन्होंने बीट किया। और फाइनल में श्रीलंका से मुकाबला हुआ जिसमें धोनी जो कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छा कर नहीं पाए थे, 91 नॉट आउट रनों की पारी खेली थी और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। गंभीर के साथ उन्होंने बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप करी थी। तो 28 सालों बाद जब ये वर्ल्ड कप उन्होंने जीता तो उस समय तो ये बहुत बड़े कप्तान बन चुके थे, लाइक जैसे कि रिकी पॉन्टिंग ने वर्ल्ड कप जीता था लगातार 2 वर्ल्ड कप। तो अब धोनी को भी कहा जाने लगा था कि ये शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन है इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। उसके बाद 2013 में चैंपियन ट्रॉफी भी इन्होंने जीता अपनी कप्तानी में। ये वर्ल्ड के ऐसे पहले कप्तान हो गए जिन्होंने ICC की सारी ट्रॉफीज इन्होंने जीती हैं, ऐसा पहले किसी भी कप्तान ने नहीं किया था। बट बहुत सारी सक्सेस के साथ बहुत फेलियर्स भी आई, जैसे कि टेस्ट मैचेस में उन्होंने उसके हिसाब से कामयाबी नहीं पाई जो कि इन्होंने लिमिटेड ओवर क्रिकेट में हासिल करी थी। जैसे कि 2011 वर्ल्ड कप के बाद ये इंग्लैंड गए जहाँ 4-0 से वाइट वॉश हुआ, वहाँ ये कप्तान थे। 4-0 से वाइट वॉश हुआ ऑस्ट्रेलिया में जहाँ ये कप्तान थे। 2014 में अगेन ये इंग्लैंड गए थे जहाँ पे अच्छी शुरुआत के बाद दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद, पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद फिर 3 टेस्ट मैच ये लगातार आ गए थे। लेकिन वनडे क्रिकेट में इनकी
सक्सेस बहुत अच्छी थी, जैसे कि 2015 में भी ये सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, जहाँ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हाथों तो इनकी हार हुई थी। और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसमें हमारे जो बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं, जिन्होंने जिनके साथ अभी बहुत बुरा वो हो गया था, सुसाइड हो गया था, सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने एक्टिंग की थी और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका रोल पूरी तरीके से निभाया था। जो उन्होंने लास्ट मैच खेला अभी तक अपना, वो अभी 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, जिनमें जिसमें फिर से निराशा वाली हार हुई थी हमें न्यूजीलैंड के हाथों, तो वो उनका आखिरी वनडे मैच था और आखिरी इंटरनेशनल मैच था। हम उन्हें आगे की लाइफ के लिए बहुत अच्छी विशेष देते हैं, एंड हैप्पी बर्थडे माई, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप विनिंग।